हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फंडामेंटल स्टॉक जो टेक्निकली ही बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाए हुए है। यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली क्या है फ्रेंड कि इस बुल मार्केट में देखो शेयर तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुत ही ब्रेकआउट के और के लेवल पे हैं, बट फ्रेंड वो अपने लाइफ टाइम हाई पे हैं, या तो ऐसा है कि वहां से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन जो ये स्टॉक हम लेके आए हैं, इसमें दो स्टॉक हैं, दो स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें से पहला स्टॉक है उसका हम फंडामेंटल और सारी चीजें देखेंगे, और जो सेकेंड स्टॉक है हम लास्ट में उसका केवल टेक्निकल देखेंगे, क्योंकि उसको किसी फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, लगभग आप सभी लोग जानते हो। लेकिन वहां पे बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड दोनों ही स्टॉक में सेटअप हो रहा है, और अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मंडे को इसमें बाई करूंगा। तो फ्रेंड, ये किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना जस्ट मैं अपना एक व्यू रखूंगा, और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे अपना व्यू रखूंगा, और आपको उसका जो भी टेक्निकल है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। आइए तो फटाफट देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी की। अभी लेटेस्ट इसका आईपीओ आया था, शायद 2 मंथ हुए होंगे अभी इसका आईपीओ आया था, और आपको पता है कि अभी जो स्टील की डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट की तो बहुत ही हाई लेवल पे है, बहुत ही हाई डिमांड है, तो इन सब का बेनिफिट मिलेगा। और ये आईपीओ के बाद आपको पता है कि मैक्सिमम स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को मिलता है, तो ठीक ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में ये अभी चल रहा है और बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है। तो आइए हम फटाफट इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नए व्यूअर्स हैं वो पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इसलिए हम फंडामेंटल भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 ईयर का डेटा जो हमारे पास है, आप देखोगे 3,747 करोड़ से इनकी जो सेल थी वो मार्च 2021 में 6,297 करोड़ है, ऑलमोस्ट डबल 3 ईयर्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे 424 जो करोड़ था वो 843 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद आप देखोगे ओपीएम हाईएस्ट एवर है 22%। तो इस बार आप उम्मीद कर सकते हो कि अभी रिजल्ट कितना फाड़ू आने वाला है इसका। उसके बाद आप देखोगे इसका जो शेयर होल्डिंग रिजर्व भी देखोगे, कंपनी के पास अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया रिजर्व है, 3,400 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। डेप्थ कुछ ज्यादा नहीं है, वो भी डेप्थ अपना ये कम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे। बाकी आप स्टील कंपनियों पे देखोगे बहुत ही डेप्थ है, लेकिन आप यहाँ पे देखो श्याम मेटेलिक पे बहुत ही कम डेप्थ है इसके रिजर्व की अपेक्षा में। प्रमोटर्स के पास देखोगे अभी सारा माल प्रमोटर्स के पास पड़ा है यार, और प्रमोटर इतने सस्ते में नहीं निकलने वाले, लॉस में नहीं निकलने वाले हैं, और जब कंपनी लाइफ टाइम हाई दे रही है, रिजल्ट हाई, प्रॉफिट हाई, तो यार नीचे आने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और फिर प्रमोटर्स के पास अगर 88.35% होल्डिंग है तो वो क्यों नीचे माल लेके जाएंगे यार, इनको भी तो निकलना है। आपको पता है सेबी का रूल है 75% से कम करना, तो ये जो प्रमोटर्स हैं वो ऐसे तो निकलेंगे नहीं। एफआईज के पास भी 1.66 है, डीआईज के पास आप देखोगे 2.67 है, पब्लिक के पास देखोगे ओनली 7.32% का माल है। तो आइए फटाफट इसका टेक्निकल देख लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो यार। अभी मैंने ये 1 आवर का चार्ट लिया हुआ है, 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, आप देखोगे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा है ये इस ट्रेंड लाइन को। उसके बाद आप अगर 1 आवर चार्ट पे ही देखते हो, ठीक है, देख रहे हो 1 आवर के चार्ट पे भी ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, और ये जो ये इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, ये बहुत ही जल्द अब ब्रेक करने के लिए पूरा का पूरा रेडी है। अब सेम पैटर्न देखो, दो चीजें फॉलो हो रही है यहाँ पे, 1 आवर चार्ट पे भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है,
अब वन डे के चार्ट पे हम देखते हैं। अभी देखो हमने वन डे का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, आप वन डे के भी चार्ट पे देख रहे हो सेम चीज वही फॉलो हो रही है वन डे के भी चार्ट पे। तो जब इस टाइप का पैटर्न बने तो क्लियर इंडिकेशन होता है यहां से बहुत ही बढ़िया अप मूव देने के लिए ये रेडी है। तो अभी हम इसका जो अगर हम केवल हाई की बात करते हैं तो यहां से भी 30% का हमें पोटेंशियल यहां से निकल के 27-28% का पोटेंशियल यहां से निकल के आता है। और ये पोटेंशियल अगर मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट देती है जिस तरीके से मेटल स्टॉक में तेजी है तो मुझे लगता है कि ये इसके बिफोर रिजल्ट ये प्राइस ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखेगा जब भी इसका रिजल्ट हो। और यहां से अगर किसी को भी रिस्क और रिवार्ड की अगर बात करनी, अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ही हाई पे है, बुल मार्केट है, और तो हम यहाँ पे अगर इसका स्टॉप लॉस अगर लेके चलेंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे इसका थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। अभी 362 का प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 345 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 345 का। अदरवाइज इसका जो वैसे तो स्टॉप लॉस है वो 350 का है लेकिन हम 345 का लेके चलें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक बार को मार्केट नीचे को ये स्टॉक मार सकता है, बट इसीलिए हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि हमें लंबा गेन है। आइए फटाफट दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा स्टॉक है HDFC AMC। इसमें अभी एक न्यूज की वजह से एक बहुत ही बड़ा फॉल आया था, उसके बाद आप देखोगे ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या है ये दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो ये जो इतना टाइम लगाया ना इसने, आप देखोगे 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक का, यानी इसने जो 15-16 डेज इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करने में टाइम स्पेंड किया है। तो यहां से बहुत ही अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड यहां से निकल के आता है। जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो 2850 का होगा, 2850 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा अभी जो इमीडिएट टारगेट निकल के यहां पे आ रहा है तो हमारा ये लगभग 14-15% का इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है। अब इसी स्टॉक को 1 आवर चार्ट पे हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने 1 आवर का चार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैं यहां पे सपोर्ट दिखाता हूं, इसने इसको बहुत ही बढ़िया से रिस्पेक्ट दे रहा है, इसे बहुत ही बढ़िया से ये रिस्पेक्ट दे रहा है। प्राइस एक्शन मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, सीख लो भाई, प्राइस एक्शन देखो कितना सॉलिड प्राइस एक्शन है यहां पे। मैं आपको बता रखा हूं एक सडन फॉल आता है, एकदम सडन फॉल, क्विक फॉल आता है, ठीक है। एक अभी इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो, और एक क्विक फॉल आता है, क्विक फॉल आया, सडन बाउंस बैक मारता है, उसके बाद आप देखोगे उसके बाद फिर से लो बनाता है। तो ये जो इसका हाई होता है हम इसी को ब्रेकआउट पॉइंट लेके चलते हैं। तो इसने इसको ब्रेकआउट देके और होल्ड कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती थी और अभी भी उसी लेवल पे है ये। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। जो 2850 का स्टॉप लॉस लेके चलना है हमें, और 2850 का, और जो हमारा टारगेट है ऊपर लगभग 14-15% का टारगेट निकल के आ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेड, सब कुछ सेटअप बहुत ही सुपर है। तो प्लीज़ इसको आप लोग देखिए, और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इंकरेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कुछ मेरे जो चाहने वाले फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि सर आप थोड़ा थंबनेल फाड़ू नहीं डालते हो। यार मैं झूठा कैसे फाड़ू वो डाल दूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रियली कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है और बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मंडे को, और टेलीग्राम से हमारे जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जो भी हम ट्रेड लेते हैं अपडेट करते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।